नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। स्वास्थ्य विभाग और जैन मिलन द्वारा स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एक वर्ष से लेकर दो वर्ष तक के बच्चों को वर्ग एक और दो वर्ष से लेकर पाँच वर्ष तक के बच्चों को वर्ग दो में रखा गया एवं उन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और एवं उनको प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बालक और बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जीरो से एक वर्ष से दो वर्ष तक के बच्चों का एक प्रथम वर्ग बनाया है और दूसरा वर्ग है दो वर्ष से पाँच वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको हम विभिन्न जाँचों से परीक्षण करके डॉक्टर द्वारा, आदरणीय डॉक्टर एस पी जैन द्वारा और आदरणीय रामवीर सिंह जी डॉक्टर के सानिध्य में ये सब कार्यक्रम को उनको परीक्षण करने के पश्चात प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से पुरस्कृत कर रहे हैं और उसके पश्चात उनको सर्टिफिकेट भी प्रमाणित कर रहे हैं। शहर के एक निजी स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता और दिया बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाए और रंगोली भी बनाई। स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि बच्चों को चाइना के सामान का बहिष्कार करना चाहिए और देसी सामान को अपनाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। गुना के एक निजी गार्डन में आपदा प्रबंध कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा के समय किस तरह से अपने आप को और दूसरों को बचाएं इस बारे में जानकारी दी गई। उक्त आयोजन गेल और रोटरी क्लब के द्वारा किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर राजेश जैन, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा और भोपाल रेंज के DIG राजेश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सांस में अपने हॉस्पिटल में आईसीयू में होता है तो उसकी सांस में जो लाइनें चलती है स्क्रीन पे झिकझिक ऊपर नीचे अप डाउन होती है, कम बहुत ज्यादा आ गया। उसको कहीं पहुंचना था, उस जगह पहुंचने से पहले ही मैं अपने रास्ते में फंस गया। वो रास्ता चौराहे से होकर निकल के जाता था तो जब मैं अपनी मदद की या मेरी यहाँ फैमिली है कुछ भी प्रैक्टिस आया था कुछ भी कहीं पर जाना, जब मैं उस चौराहे पर पहुंचता हूँ तो मुझको जो वहाँ पे दिशा सूचक यंत्र भी होती कि दो टेक्निक होती है। सबसे पहले होता है हेड टिल्ड चिन लिफ्ट, हेड टिल्ड देखिए, जो अब जो फॉरहेड है उसको एक हाथ पकड़ेंगे और पीछे की तरफ करेंगे, साथ साथ में चिन लिफ्ट, चिन जो अपनी दाढ़ी है उसको ऊपर उठाएंगे, ये पहली टेक्निक है। उसके साथ साथ में अंगूठे से प्रेस करके मुंह खोलेंगे उसको, ठीक है। मुंह खोलने के बाद आप चेक करेंगे कि उसके मुंह में कुछ तंबाकू या दांत वांत टूटे हुए तो नहीं है, यदि है तो उसको हुक फिंगर का हुक बनाकर निकालना है, ठीक है। निकाल लिया, ये अपनी नॉर्मली जो
हार्ट अटैक पेशेंट है तो उनके लिए यूज करते हैं। और जिसमें बताया गया कि आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए, रेडियो टीवी से आवश्यक जानकारी सूचना प्राप्त करते रहें, उपयुक्त भोजन सामग्री को अपने साथ रखें, घर में मौजूद सभी प्रकार के बिजली उपकरणों को बंद रखें, सभी प्रकार की कीटनाशक दवाओं को पानी की पहुंच से दूर रखें, घर छोड़ते समय सभी दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करें, अपने साथ टॉर्च रेडियो खाने पीने का उचित सामान तथा पानी को शुद्ध रखने हेतु क्लोरीन की टैबलेट रखें, रबर के ट्यूब में हवा भर के रखें, बाढ़ के पानी में फंसने पर इसका सहारा लेकर निकल सकते हैं, नौकाओं को उपलब्ध रखें, घबराएं नहीं, शांति व धैर्य से काम लें, स्वयं या फोन द्वारा बाढ़ आने की सूचना पुलिस चौकी कलेक्टर या जिम्मेदार अधिकारी को दें, पक्के मकानों की सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़ जाएं, मजबूत व ऊंचे पेड़ों पर चढ़ें, जिधर से पानी बह रहा है उसकी विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करें, यदि भाव में फंस गए बहती हुई लकड़ी के लट्ठे का पिछला सिरा मजबूती से पकड़ें, ये डूबने से आपको बचाएगा, नौकाओं द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बाहर जाने का प्रयास करें, यदि ऐसी जगह फंस गए हैं जहां संचार व यातायात व्यवस्था नहीं है तो राहत कार्य में लगे अमलों से सहायता प्राप्त करने हेतु लाल या सफेद रंग का कपड़ा लहराएं, इससे राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई संस्थाएं आपको राहत दे पाएंगी। और कैसे रोक लाइन मिलने वाली है, बहुत ही गंभीर बात है कि आपदा प्रबंधन की गंभीरताओं से होने वाली समस्याओं को देखते हुए रोटरी क्लब ने एक जन साधारण की ओर ध्यान आकर्षित चला एक बृहद स्तर पर रोटरी क्लब और गेल के संयुक्त प्रमुख साथ हमारा ग्वालियर की टीम जिसमें शामिल हुई है, जिसमें अभी हमने दो बैठक भी दी है, टीम को हम कैसे नीचे लाएंगे, नीचे साथ ही गेल के माध्यम से हमें आम अगर आपको कहीं लगती है तो हमें किस आग में कौन सा हमें किस तरह से उसे बुझाना है तो उसका हम रखते हैं, साथ ही और भी CPR और अन्य मेथड्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल इक्विपमेंट है, उनका प्रयोग कैसे करना है उसकी जानकारी भी हम इस गाँव के बच्चों को देते हैं। और रोटरी क्लब का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने एक अच्छा और नवीन पहल। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर शहर के जाने माने समाज से भी ओएन शर्मा ने निकाली साइकिल रैली। यह साइकिल रैली का शुभारंभ शास्त्री पार्क से होते हुए हनुमान चौराहे पर इसका समापन हुआ। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने भाग लिया। इस रैली की अगुवाई समाज से भी ओएन शर्मा और महेश सोलंकी ने की। इस रैली के माध्यम से आम जन तक चीनी सामान के विरोध को लेकर अपील की थी। रैली के दौरान सभी के हाथों में चीन द्वारा निर्मित सामान का उपयोग न करने के लिए तख्तियां भी थी। युवा कांग्रेस ने फूका प्रभारी मंत्री का पुतला। मुंगावली में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के छात्र संवाद के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BL हरिवार को निलंबित किए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित सोनी के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री जयवान सिंह पवैया का पुतला दहन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री मुरादाबाद और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। युवा कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसी भी जनप्रतिनिधि को महाविद्यालय में छात्र संवाद करने एवं महाविद्यालय के कार्यक्रम में जाने का नैतिक अधिकार होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण या वोट नहीं मांगा गया, किंतु बगैर किसी ठोस वजह एवं नोटिस के महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BL हरिवार को निलंबित किया जाना इस सरकार का दलित व शिक्षा विरोधी चेहरा उजागर करता है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा, हरिशंकर विजयवर्गीय, देवेंद्र गुप्ता सहित आदि समस्त युवा कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवक कांग्रेस गुना विधानसभा के तत्वाधान में आज संपूर्ण कांग्रेस परिवार ने मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जयवान सिंह पवैया का करके विरोध प्रदर्शन करके यहाँ पुतला दहन किया।
कांग्रेस परिवार का ये मानना रहा है कि जयवंत सिंह पवैया नाम जाने क्यों विकास के केवल विरोध के मार्ग पे चल रहे हैं। पूर्व में गुना में स्टेडियम निर्माण में रुचि ना लेना और लगातार इस ओर ध्यान आकर्षित करने पर भी एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल देने की उन्होंने कहावत को चरितार्थ किया। और अब जब मंगौली के अंदर वहाँ के प्राचार्य श्री बी एल अहिरवार जी कम से कम संसाधनों में मंगौली का और चंदेरी का कॉलेज का संचालन कर रहे थे और एक सांसद के नाते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब वहाँ बच्चों की मांग पे लाखों रुपए की वह सौगातें उस कॉलेज को देने की घोषणा की, जिसका कि मुख्यतः दायित्व मध्य प्रदेश सरकार का और विशेष करके अशोक नगर के शिक्षा मंत्री जयवंत सिंह पवैया का था, उन्हें ये शायद बात नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि वह जिस क्षेत्र को विकास में महरूम रखना चाहते हैं आखिर उस क्षेत्र में विकास की सौगातें क्यों सांसद श्री सिंधिया द्वारा दी जा रही हैं। उन्होंने शायद इसी का बदला एक दलित परिवार से जुड़े प्राचार्य जो कि अपने दायित्व को दुगने तरीके से निर्वहन कर रहे थे, मुंगावली के साथ ही चंदेरी का भी दायित्व बखूबी निर्वहन कर रहे थे, उन्होंने जयवंत सिंह जी पवैया ने उन प्राचार्य महोदय को न केवल निलंबित किया बल्कि शेड्यूल में इसलिए अटैच किया क्योंकि वह अपने मुंगावली के कॉलेज में सांसद सिंधिया जी के माध्यम से वहाँ के कॉलेज का विकास करने की ओर अग्रसर हो रहे थे। आज हम सब ने मिलकर के इसी बात का विरोध प्रदर्शित किया है कि जो एक दलित परिवार से जुड़े हुए श्री पी एल अहिरवार जी के ऊपर जो जिस प्रकार की ज्यादती भरी कार्रवाई की है, कांग्रेस परिवार उस संपूर्ण कार्रवाई का विरोध करता है। साथ ही प्रभारी मंत्री जयवंत सिंह पवैया जी से मांग करता है कि वे जनता के सामने स्पष्ट करें कि आखिर उन्हें विकास क्यों पसंद नहीं है, क्यों वे विकास करने वालों का विरोध करते हैं और जिस मंच पे उन्हें स्वयं को विकास करने का अवसर प्राप्त होता है वहाँ विकास के नाम पे वो कुछ भी कार्य करने से अपने को कोसों दूर ले जाते हैं। इस बात का जवाब गुना संसदीय क्षेत्र का हर नागरिक मांग रहा है। डीजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।